बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैथ 9th यूनिट 1 हमारी पहली 4 एक्सरसाइज की वीडियोस मुकम्मल हो चुकी। अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 की तरफ जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.5 के अंदर जो मेन टॉपिक है वो है किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना। तो अमूमन हम किसी मैट्रिक्स को ए से शो करते हैं, तो लेट हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसकी एंट्रीज ए बी सी और डी हैं। तो हम इसका इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं किसी मैट्रिक्स, फर्ज किया सपोज एक मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स 1/a होता है। लेकिन हम इसको ऐसे लिखते नहीं, हम इसको लिखते हैं जी ए इनवर्स। अब ए इनवर्स कैसे फाइंड किया जाएगा? इससे पहले हम किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट फाइंड कर चुके हैं। तो ए इनवर्स यानी ए का ज़र्बी माकूस, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो देखें हमारे पास मैट्रिक्स ए है, हम इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? रिपीट करते हैं, तो फर्स्ट और फोर्थ मेंबर इसकी जगह चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा डी और ए। सेकंड और थर्ड मेंबर के साइन चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस बी और माइनस सी। ये एडजॉइंट फाइंड कर लिया। अब हम इसी मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए बी सी और डी। तो ये हो जाएगा ए डी माइनस बी सी। कैसे फाइंड करना है? ए मल्टीप्लाई होगा डी के साथ और बी मल्टीप्लाई होगा सी के साथ। तो माइनस इसमें फार्मूले के तौर पे आएगा ए डी माइनस बी सी। एक बात याद रहे कि आप किसी मैट्रिक्स का डायरेक्ट डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, यानी ये डिटर्मिनेंट के सिंबल्स दो सीधी लाइनें इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसका आपको नंबर मिलने वाला नहीं। इसलिए पहले मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में चेंज करें और फिर फाइंड करें। तो अब हम ये वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास ए इनवर्स फाइंड हो जाता है। ए इनवर्स इज इक्वल टू ए का एडजॉइंट हम फाइंड कर चुके, वो है हमारे पास डी माइनस बी माइनस सी और ए, और इसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया वो है ए डी माइनस बी सी। तो इसी पैटर्न पे चलते हुए, इसी फार्मूले पे चलते हुए हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। आए हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.5 की तरफ और वहाँ से एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.6 इसका एक क्वेश्चन है, 1.5 एक्सरसाइज 1.5 इसका एक क्वेश्चन है जिसके अंदर एक मैट्रिक्स बी आपको दे दिया गया है, उसकी एंट्रीज हैं 1, 2, -3
और माइनस फाइव, ये बी है, तो हम इसको लिखेंगे बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। यानी यहाँ से हमने दो चीज़ें फाइंड करनी हैं, उनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, तो हमारे पास बी का इनवर्स आ जाएगा। पहली चीज़ है एडजॉइंट ऑफ बी, तो इसके अंदर दिए गए मैट्रिक्स के पहला और चौथा मेंबर चेंज किया जाता है, माइनस फाइव फर्स्ट मेंबर हो जाएगा, वन जो है ये फोर्थ मेंबर यानी चौथा मेंबर बन जाएगा, जो दूसरा और तीसरा मेंबर है उनके साइन चेंज करेंगे, माइनस टू हो जाएगा और थ्री प्लस हो जाएगा। ये बी का एडजॉइंट हमने फाइंड कर लिया। अब हम बी के इनवर्स की बी के डिटर्मिनेंट की तरफ चलते हैं। बी का डेट है वन टू माइनस थ्री और माइनस फाइव। इसको फार्मूले के मुताबिक हम सॉल्व करते हैं। बी का डेट इज इक्वल टू वन मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस फाइव से, माइनस फार्मूले का टू मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस थ्री से, तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस फाइव, माइनस ये फार्मूले वाला है और माइनस थ्री के साथ भी है, माइनस माइनस प्लस टू थ्री द सिक्स। तो जब इनका डिफरेंस हम फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाता है वन। तो बी का डिटर्मिनेंट वन है। अब हम ये दोनों वैल्यूज़ यानी एडजॉइंट की और बी के डिटर्मिनेंट की मुतलका फार्मूले में पुट करेंगे और हमारे पास बी का इनवर्स आ जाएगा। तो बी का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट हमारे पास है माइनस फाइव माइनस टू थ्री और वन, और हमारा डिटर्मिनेंट है वन। तो वन किसी को डिवाइड करे या किसी से मल्टीप्लाई हो तो उसमें कोई चेंज नहीं आती। तो वन डिवाइड करेगा तो वही मेंबर्स आ जाएंगे, माइनस के फाइव माइनस के टू फिर थ्री और वन। तो यही हमारे दिए गए मैट्रिक्स बी का इनवर्स है। एक और एग्जांपल लेते हैं और इसको फाइंड करते हैं। अब जी हमारा एक और क्वेश्चन है, डी दे दिया गया है, तो डी के मेंबर्स हमारे पास हैं वन ओवर टू, थ्री ओवर फोर, फिर वन और टू है। तो इसका इनवर्स का फार्मूला है डी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी ओवर में डी का डिटर्मिनेंट। तो दो चीज़ें हम अब डी की फाइंड करते हैं, डी का एडजॉइंट और डी का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ डी इज इक्वल टू ए और डी की जगह चेंज करेंगे, यानी फर्स्ट और फोर्थ मेंबर चेंज करेंगे, टू फर्स्ट मेंबर की जगह चला जाएगा और वन ओवर टू फोर्थ मेंबर की जगह आ जाएगा। बाकी मेंबर नंबर टू
और थ्री के साइन चेंज करेंगे, माइनस थ्री बाय फोर हो जाएगा और माइनस वन हो जाएगा। ये एडजॉइंट फाइंड कर लिया। अब इसी मैट्रिक्स डी का हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। तो मेंबर्स हैं वन ओवर टू, थ्री बाय फोर, वन और टू। तो डी का डेट इज इक्वल टू फर्स्ट मेंबर वन ओवर टू है, ये मल्टीप्लाई होगा टू के साथ, फिर माइनस। तो सेकंड मेंबर थ्री बाय फोर है, ये मल्टीप्लाई होगा वन के साथ। मल्टीप्लाई करते हैं, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारा रह गया वन। आगे माइनस है, थ्री बाय फोर वन से मल्टीप्लाई होगा तो थ्री बाय फोर ही आ जाएगा। अभी एलसीएम लेके इसको सिंपल करते हैं। फोर एलसीएम लेंगे तो फोर वन द फोर और फोर वन द फोर, यानी फोर को फोर पे डिवाइड करें तो वन, वन थ्री से मल्टीप्लाई होगा। तो डी का डेट हमारे पास आ जाएगा वन ओवर फोर। अब ये वैल्यूज, यानी एक डी के एडजॉइंट और डी के डिटरमिनेंट की पुट करते हैं फार्मूले में। डी इनवर्स इज इक्वल टू डी का एडजॉइंट हमारे पास आ चुका, वो है जी टू माइनस थ्री बाय फोर माइनस वन और वन ओवर टू। ओवर में डिटर्मिनेंट वो है वन ओवर फोर। ये डिवीजन में है, जब मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो उल्ट हो जाएगा, यानी डी का इनवर्स इज इक्वल टू फोर ओवर वन हो जाएगा। टू माइनस थ्री बाय फोर माइनस वन और वन ओवर टू। तो फोर ओवर वन का मतलब फोर ही है, यानी पूरे मैट्रिक्स को हमने फोर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, टू से मल्टीप्लाई होगा फोर, तो फोर टू द एट, एट को वन डिवाइड करेगा तो एट ही आ जाएगा। फोर मल्टीप्लाई होगा माइनस थ्री बाय फोर से, तो फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा, माइनस थ्री आ जाएगा। फोर मल्टीप्लाई होगा माइनस वन से, तो माइनस फोर वन द फोर। फोर मल्टीप्लाई होगा वन ओवर टू से, तो टू से फोर कैंसिल होके टू, तो टू वन द टू आ जाएगा। ये है हमारे डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट से निकलने वाला डी इनवर्स, जिसकी वैल्यू, जिसका आंसर आया है एट माइनस थ्री माइनस फोर और टू। तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत अहम है, क्योंकि जो एक्सरसाइज आगे 1.6 आ रही है उसके हर क्वेश्चन के अंदर हमें डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट, मल्टीप्लिकेशन और उस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना बहुत ज़रूरी होगा। यही चीज़ें
उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगी और यही वो एक्सरसाइज है 1.6 जिसमें से इम्तहान के अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।